एक टिप्पणी से इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूँ। आपके भीतर का आह्लाद उन्माद उठे तो मुझे सूचित करना कि आप कवि सम्मेलन सुनने आए हैं या सिर्फ मेला देखने आए हैं। ये पहली टिप्पणी आपने पकड़ ली तो कवि सम्मेलन चलेगा, वरना एक औपचारिकता पूरी होगी। आप यूँ समझ लीजिए कि ये सारा व्यवधान पाक समर्थित आतंकवाद है और आपकी तालियां सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक से तो हम ही हार जाएंगे। मोदी जी को मना कर दो कि करने का कोई फायदा नहीं है। इस तालियों को घनत्व में बजाएं, क्योंकि हम कवियों को एक वरदान प्राप्त है। गिरीश जी, आपको, मेरे को नहीं पता कि कभी मधुर जी ने ये बात बताई है कि नहीं बताई, मैं आपके समर्थन में खड़ा हूँ, इसलिए बता देता हूँ। अंतिम पंक्ति तक जो लोग बैठे हैं, जो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, सब समझ लो एक बात, हम कवियों को एक वरदान प्राप्त है। जो हमारी कवियों कविताओं पर ताली नहीं बजाता, उसे अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ती है। तो अब आप लोग तय कर लो कि आपको अपने साथ क्या करवाना है। महिलाएं ऐसे ही लगातार बोलती रहेंगी, मैं जानता हूँ। हम इधर से बोलते रहेंगे माइक के सामने, ये बिना माइक के बोलती रहेंगे। इन्हें भगवान भी चुप नहीं करा सकता। इन्हें रोटी ना दो तो जी लेंगी, पानी ना दो तो जी लेंगी। इन्हें बात करानी बंद कर दो, 15 मिनट में बिना किसी कैंसर के मर जाएंगी। तो इनका तो सारा उपचार हमें पता है साहब। गिरीश जी, ऐसे गर्दन मत हिलाओ, मेरी 2.5 साल पहले शादी हुई है। 2.5 साल में उसने मुझे इतना ज्ञान दे दिया जो ऋषियों को करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद प्राप्त नहीं होता। देखो, आप लोग पीछे वाले लोग खाली मुफ्त में बैठोगे तो काम चलेगा नहीं, जीवंत होकर बैठो। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, बुराई इसलिए नहीं फैलती कि बुरे लोग ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए फैलती है कि जब बुराई सड़क पर घटित हो रही होती है तो ये अच्छे लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। आप अपनी खिड़कियां खोल कर बैठिए। जितने मन से आप सुनेंगे उतने मन से ये सब कवि सुनाएंगे। वैसे भी मैं आप लोगों को इसलिए हंसाना चाहता हूँ कि मेरी तो शादी हो गई है, मेरे घर में तो ये माहौल बचा नहीं। जब जनता में किसी को हंसते देखता हूँ तो लगता है कि दुनिया में अभी हंसी बाकी है। बारीक बात कर रहा हूँ आप लोगों में, कसम है, जिसको बात समझ आ जाए वो ताली बजा देना, जिसे नहीं समझ आए कल सिद्धार्थ एक्सटेंशन चौक पर खड़े होकर बजा लेना, फिर जो आपके साथ घटी तो वो आप भुगतना। मेरी नई नई शादी हुई, मैंने यूसुफ भारद्वाज जी को फोन किया, बहुत बारीक बात कर रहा हूँ, जब इससे मुझे पता लग जाएगा कहाँ कहाँ समझदार लोग बैठे हैं। मेरी नई नई शादी में मैंने यूसुफ भारद्वाज जी को फोन किया, मैंने कहा दादा मुझे कोई ऐसी टेक्निक बता दो कि मैं अपनी बीवी का जन्मदिन कभी ना भूलूं। बोले एक बार भूल जा। दरअसल क्या है साहब, इतनी लंबी लंबी कविताएं सुनाने की जरूरत नहीं होती, इतने समय काम हो जाता है। बहुत छोटी सी कविता, तुलसीदास जी ने इतनी मोटी मानस लिखी, अपन इतने समय काम चलाते, बनिए आदमी है, बनिए ज्यादा खर्चा कर नहीं सकते। 6 पंक्ति में पूरी रामायण सुना दो, हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे बचपन में, जब गांव में निक्कर पहनकर घूमते थे तब की सुनी हुई रामायण सुनाता हूँ 6 पंक्ति में। 6 पंक्तियों की रामायण, कि एक राम एक रावन्ना, वो छत्री वो बामन्ना, वाने बाकी सिया चुराई, वाने बाकी लंक जराई, राम ने रावण मारन्ना, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। तो मैं तो इतनी सी बात ना करूंगा। वैसे भी आजकल फेसबुक का दौर है, फेसबुक बहुत ही कमाल की चीज है। फेसबुक से ज्यादा अविश्वसनीय संचार माध्यम पिछले 5000 साल के इतिहास में नहीं बना साहब। मैं खुद एक लड़की से 15 दिन तक करिश्मा कपूर बनकर चैट करता रहा। हंसने की बात नहीं है गिरीश जी, 15 दिन बाद नंबर मांगा तो पता लगा उधर भी गोविंद भाई था। अपना विश्वास उठ गया तब से फेसबुक पर से, ये 4-6 तालियों से। अच्छा, महिलाओं को मैं ज्यादा हंसने के लिए कह भी नहीं सकता, इन्हें ब्यूटिशियन समझा के भेजता है, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगे तो चेहरे के POP की हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आत्मरक्षा में ऐसी है, मैं समझ सकता हूँ, इतनी ही हंसेंगी, थोड़ी सी स्माइल कर दे उसी पे बहुत मानना चाहिए। महिलाएं बहुत ही समझदार होती हैं साहब। पिछले दिनों मेरा जन्मदिन आया तो मेरी पत्नी ने आके मुझसे पूछा, जानू मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट दूं। मैं कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, घर में हंस बोल कर रह लिया कर, कभी ये मेहमान आ जाए तो इनकी इज्जत कर लिया कर, इतना बहुत है। अगली ने 2 मिनट तो सोचा जी, फिर बोली ना मैं तो गिफ्ट ही दूंगी। गिफ्ट से ही काम चल रहा है साहब, वो जो ही करती है जो वो कराना चाहती है। अच्छा, आदमी अपने कलेश फिर भी झेल ले, जब बड़े बुजुर्ग घर आ जाते तो कलेश बढ़ जाते हैं भाई साहब। पिछले दिनों यूसुफ जी घर आए, मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, देखकर भावुक हो गए, बोले चिराग जैन तुम्हारी जोड़ी तो राम सीता जैसी है। मका जी खाक राम सीता जैसी है, ना ये धरती में समाप्ति ना इसे कोई ठाके ले जाता। तो हम अपने कष्टों को जानते हैं जी, कैसे झेला जाए। अच्छा, ये मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ महिलाओं के बारे में ये बातें, मैं जानता हूँ आप में से कोई भी रिकॉर्ड करके कल मुझे महिला आयोग में तलब कर सकता है, इसलिए मैं तार्किक बातें करता हूँ जिन बातों का तब। आइए भाई साहब, आप HDFC से हैं, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, क्रेडिट दे दोगे तो मेरे को बैठ दो अभी। अच्छा, ये बिना अकाउंट के भी दे सकते हैं?
दिन में एक बहुत सुंदर सी महिला फोन करके कहती है, सर आप लोन लीजिए, इंटरेस्ट कम आ रहा है। मैं उससे कहता हूँ, तुम तो बोलते रहिए, मुझे बहुत आ रहा है। महिलाओं के बारे में जो बोलो वो तार्किक बोलो, क्योंकि आजकल पुरुषों का कोई रखवाला नहीं है, जो है धरती इन्हीं की है। ओलंपिक में पदक जीत के लाई तो ये, पैरा ओलंपिक में पदक जीत के लाई तो ये, यूपीएससी में फर्स्ट आई तो ये, सीबीएसई में टॉप किया तो इन्होंने। इसका कारण आपको पता है साहब? हाँ, देखो कैसी राजी हो रही है अपने आप पर। ये अपने आप पर ही ताली बजा सकती हैं। इसका सिर्फ एक कारण है साहब, हम पुरुषों ने ये सब मेहनत करनी क्यों बंद कर दी? क्योंकि मोदी जी ने सारी योजनाएं चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब सारा पैसा इन्हीं पे फूंकना है तो मेहनत भी क्यों करें? सारा पैसा तो इन्हीं पे फूंक रहे हैं साहब। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे लिए कोई हित की बात नहीं हो रही है, इसलिए तार्किक बातें करता हूँ। एक ताना आप सबको मिलता होगा, लेकिन गिरीश जी आप बड़े आदमी, आप स्वीकार नहीं कर पाओगे। कॉलोनी का मामला है, मैं स्वीकार करके बताता हूँ। दिन में 20 बार बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी नरक बना दी। कोई ढंग का मिला होता तो मैं कितनी खुश रहती। अब बताओ, जैसे हम नहीं मिलते तो इससे धनपति कुबेर मिल रहा था, लेकिन ये बोलती है साहब। एक दिन मैंने लपक लिया, और आप लोग भूल जाना कि आप स्त्री हैं या पुरुष, अगर बात सच हो तो आनंद लेना। इन महिलाओं को आप स्वर्ग में भी छोड़ दो जी, इससे बढ़िया जगह तो नहीं बनाई जी। वहां पे इनकी कोई सहेली मिल जाए, पहला संवाद क्या होगा? अप्सरा को देखा, देखो ड्रेसिंग सेंस नहीं है, कैसे कैसे कपड़े पहन के आती है। एक हम साहब, हमें आप नरक में भी छोड़ दो, वहां हमारा कोई दोस्त मिल जाए। एक ही बात पूछेगा, यमराज की बेटी देखी? अच्छा, महिलाओं से उम्मीद भी नहीं कर सकते ये तालियां बजाएंगी। मैं सच बता रहा हूँ गिरीश जी, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड की होती है। गजब, आप इनके स्टाइल देखिए, सबकी एक की साड़ी दूसरे से नहीं मिल सकती। और हमारे पास 4-5 के बाद तो डिजाइन खत्म हो जाते हैं सर। काफी होनहार बच्चे इकट्ठे कर रखे हैं आपने। मैं साहब बताऊं, हम पुरुष सादा जीवन, गिरीश जी आप हाथ मत जोड़ो, मैं ही बराबर करके जाऊंगा। ये सारी महिलाएं घेर कर बैठ गई है कि इसे बुलाया किसने है। तो गिरीश जी आप चिंता ना करें, मैं आपका आज यहाँ पूरा मामला सेट करके जाऊंगा। आप जहाँ बैठे हैं बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। दरअसल कैसा, हम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। गिरीश जी जैसा आदमी पूरी तपस्या कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक जींस पहन के आ गए, ऊपर एक कमीज लटका ली, इतना सा, ना कोई लिपस्टिक ना पाउडर, बाकी सबको देखो कुछ नहीं किया होगा। 1.5 घंटे मेकअप रूम में तैयार हुई होंगी, उसके बाद 12 के जो पहली सहेली मिली होगी उससे कहा होगा, आज तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई। ये वो है साहब, हम कितने सादा लोग हैं मैं आपको बताऊं। आप इन महिलाओं को करवा चौथ के दिन देखना साहब, अभी 19 तारीख को आ रही है, यहाँ बाहर महारानी बाग में फुटपाथ पर बैठकर 25 रुपल्ली की मेहंदी लगवा कर आएंगी पट्टे पर, और पूरे घर में हंगामा। देखियो कैसी लगी है, देखियो बेल नहीं बनी, देखियो बूटा नहीं बना, देखियो रंग नहीं चढ़ा। एक हम साहब 2500 रुपए की दारू पी के आएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। इसे कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। हम तो सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करने वाले लोग हैं साहब, हम फालतू के पंगे लेते नहीं है। वैसे भी महिलाओं के बारे में आंटी मैं सच बताऊं, ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये सार्वभौमिक सत्य है। मैंने एक 5वीं क्लास के बच्चे से पूछ लिया था, बताओ जलेबी को स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? बोला जी क्योंकि ये टूट सकती है पर सीधी नहीं हो सकती। तो बच्चा बच्चा जान गया साहब, मैं कहा है। मैं दरअसल क्या है, दिल्ली में आप लोगों को इसलिए हंसाना चाहता हूँ, हम बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए दिल्ली वालों, आपको अंदाजा नहीं है, हम खतरे में हैं। हमारे एक तरफ हमने मुख्यमंत्री ऐसा चुन लिया जो आइटम पीस है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हमें चुन के देश ने ऐसा दे दिया जो अपने आप में आइटम बम है। एक तरफ ये दल, दूसरी तरफ ये दल, कुल मिला के दल दल, तो पूरी दिल्ली दल दल में फंसी हुई है साहब। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल आए, क्या लोकप्रियता है हमारे नेताओं की आपके। सच बता रहा हूँ साहब, अरविंद केजरीवाल जैसा आदमी पूरी दुनिया को नहीं मिल सकता मुख्यमंत्री के रूप में। किस चीज का क्या उपयोग करना है सिर्फ वो आदमी जानता है। पिछले दिनों बहुत हल्ला मचा कि सारे पुरस्कार महिलाएं जीत रही हैं, सारे अवार्ड लड़कियां जीत रही हैं, तो अरविंद केजरीवाल का बयान आया, बोले मैं भी महिला ही बनना चाहता था पर ये मोदी जी ने बनने नहीं दिया। कमाल की चीज है साहब। पिछले दिनों दिल्ली में तूफान आया तो सिविल लाइंस में अपनी कोठी में एक पेड़ से चिपक गए घबरा के। आधा घंटे बाद जब तूफान शांत हो गया तो पसीना पोंछते हुए बोले, आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर जाता। ऐसा मुख्यमंत्री साहब, और उसका जो उपयोग हम दिल्ली वालों ने किया वो भी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। पिछले दिनों होली पर मैं घर से बाहर निकला, एक दुकान पर लिखा हुआ था केजरीवाल गुलाल। मैंने कहा भाई ये क्या कलेश है? बोला ये अब तक का बना दुनिया का सबसे महंगा गुलाल है। मैं कहा कितने का है? बोला 5000 रुपए का 10 ग्राम।
मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है। बात समझ आ जाए तो पहले से अंतिम श्रोता तक अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय देना। मैंने कहा ऐसा इसमें क्या खास है जो 5,000 रुपए का 10 ग्राम बेच रहा है। बोला कुछ नहीं साहब, एक बार लगा दो हर 10 मिनट में रंग बदल लेता है। ये है साहब हमारे मुख्यमंत्री की मार्केट है। और प्रधानमंत्री भी कमाल ही है साहब, अद्भुत प्रधानमंत्री हमने चुने हैं। पिछले दिन हंगामा मचा, देश का माहौल खराब है। तो एक पत्रकार ने मोदी जी से पूछ लिया, व्यंग्य समझ आ जाए तो जिन्हें समझ आए वो तालियां बजाना। मोदी जी से एक पत्रकार ने डायरेक्ट पूछ लिया, बोले मोदी जी देश में असहिष्णुता की चर्चा चल रही है, देश के माहौल पर आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी बोले देश का माहौल अच्छा होता तो मैं बाहर क्यों घूमता। तो हमने तो प्रधानमंत्री भी ऐसा चुन रखा है साहब, वो शपथ ग्रहण समारोह में आडवाणी जी चले गए सर। आडवाणी जी से वेटर ने पूछ लिया, सर आप क्या लेंगे? आडवाणी जी बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जलजीरा ही ले आ। तो भाई ने कईयों को जलजीरा पिला रखा है साहब। लोग कहते हैं सरकार बदल गई। कोई सरकार नहीं बदली, पिछली सरकार में और इस सरकार में सिर्फ इतना सा अंतर है। शुद्ध व्यंग्य पढ़ रहा हूँ आपके बीच, सारे राजनीतिक चोगे उतार कर बैठना, कि पिछली सरकार में और इस सरकार में सिर्फ इतना अंतर है साहब कि उस सरकार में एक मनमोहन सिंह थे, बाकी सारे प्रधानमंत्री थे। इसमें एक प्रधानमंत्री है, सबको मनमोहन सिंह बना रखा है भाई। सच में बहुत मुश्किल काम है। और जो तीसरा दल है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, मैं राहुल गांधी जी का इतना बड़ा भक्त हो गया हूं साहब, शुद्ध व्यंग्य की बात कर रहा हूं। कांग्रेसी अब तक क्या करते आए थे साहब? संसद में चर्चा करते थे और खाट पर जाकर सो जाते थे। इस आदमी ने परंपरा को बदल दिया। व्यंग्य पकड़ ले तो मुझे बता देना कि सिद्धार्थ एक्सटेंशन के लोग अखबार पढ़ते हैं और चेतना के साथ पढ़ते हैं, कि पहले के लोग संसद में चर्चा करते थे और खाट पर जाकर सो जाते थे। राहुल गांधी जी खाट पर तो चर्चा करते हैं। ऐसे बदले हुए नेताओं को भी मैं प्रणाम करता हूं साहब। आइए, उड़ी में घटना घटी तो देश को लगा हम त्योहार कैसे मनाएंगे। देश पर आतंकवाद का साया है, चारों ओर से आतंकवादी हमला कर रहे हैं। सेना के कुछ जवानों ने हमें आश्वस्त किया, एक मिनट के लिए मेरे साथ हो जाना, कि हिंदुस्तान के लोगों आप अपने त्योहारों में कमी मत करना, हम सीमा पर आपकी रक्षा करने के लिए अपनी छाती तान कर खड़े हैं। चार पंक्तियां उन लोगों के लिए सिद्ध करता हूं साहब। इतिहास गवाह है, हिंदुस्तान ने कभी पहला थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन इतिहास इस बात का भी गवाह है कि आखिरी थप्पड़ हमेशा हिंदुस्तान ने मारा। कि अगर दुश्मन करे आगाज हम अंजाम लिख देंगे, लहू के रंग से इतिहास में संग्राम लिख देंगे। हमारी जिंदगानी पर वतन का नाम लिखा है, हम अपनी मौत भी अपने वतन के नाम लिख देंगे। धन्यवाद, आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।